एनआईटी हमीरपुर में 17 जून को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिमाचली परिधान में छात्र डिग्रियां हासिल करेंगे। एनआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव ने बताया कि दीक्षांत समारोह के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और समारोह में एनआईटी से साल 2014 से 2017 तक के पास आउट छात्र हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एनआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी होंगे। एनआईटी हमीरपुर में 17 जून को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिमाचली परिधान में छात्र डिग्रियां हासिल करेंगे। एनआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव ने बताया कि दीक्षांत समारोह के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और समारोह में एनआईटी से साल 2014 से 2017 तक के पास आउट छात्र हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एनआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी होंगे। एनआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव ने बताया कि समारोह में 2715 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें 84 पीएचडी, 723 स्नातकोत्तर और 1908 स्नातक की डिग्रियां होंगी। उन्होंने बताया कि डिग्रियां लेने वाले छात्र छात्राओं को कुर्ता पजामा पहनकर डिग्रियां दी जाएंगी। ये कन्वोकेशन जो है 17 जून 2019 को होगा, 10 बजे इसकी शुरुआत है और इसके मुख्य अतिथि जो है प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर आईआईटी रुड़की हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स को मेडल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें जो मेडल दिया जाना था वो मेडल जो है 2018 बैच के साथ सबको दिया जा चुका है। इसमें केवल जो है उनकी डिग्रियां दी जाएंगी, इसमें मेडल का कोई प्रोविजन नहीं। सर, इसमें गाउन की जगह इस बार कोई हिमाचली परिधान रखा है, क्या है इसमें? हाँ, इस बार भारतीय परिवेश में कुर्ता पैजामा जो है उनका रहेगा, उसके ऊपर एक हिमाचली जो साल है वो बच्चे पहनेंगे और जो हिमाचल की पहचान टोपी का है वो उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 2 कोर्सेज संस्थान जो है अगले सत्र से शुरू करेगा। एक जो है बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट शुरू करेगा, और एक है बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट शुरू करेगा। एक पीजी प्रोग्राम है जो एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये हाँ, एमटेक का नया करिकुलम इसी सत्र से लागू हो जाएगा। बीटेक का भी नया करिकुलम बन गया है, फर्स्ट ईयर का इसी सत्र से लागू होगा। अब बाकी जैसे वो बैच आगे बढ़ेंगे उनका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बाकी वर्षों का भी शुरू हो जाएगा। और 3 ऑर्डिनेंसेज जो हैं यूजी, पीजी और पीएचडी का, वो भी पहली बार जो है स्टैट्यूटरी प्रोसीजर के साथ जो है बनाया जा रहा है और इसी सत्र के जुलाई से जो है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा।